हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप लोग चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन हो तो यहाँ पर हम सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन होने का मतलब है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस टीम से जुड़ते हैं एमएस धोनी की वजह से। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर धोनी का क्रेज़ इतना ज़्यादा है फैंस के बीच में कि यहाँ पर जिस टीम में धोनी जाते हैं उस टीम को लोग अपनी फेवरेट मान लेते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप लोग चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन हो, आप लोग एमएस धोनी के फ़ैन हो, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है जिसको मैंने भी पहली बार सुना तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गया। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या ये बड़ी अपडेट्स आई है, ये सब बातें मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। और इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहां पर जैसे ही ये न्यूज बाहर आई है वैसे ही मैं थोड़ी देर बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। और न्यूज ये है कि बीसीसीआई ने धोनी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। अब ये काफी बड़ी न्यूज है, काफी शॉकिंग न्यूज है और काफी सोचने वाला मैटर है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है। तो यहां पर बीसीसीआई में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड होते हैं अलग अलग प्लेयर्स के, जो कि यहां पर डिपेंड होते हैं कि उन्होंने पूरे साल यहां पर कैसा परफॉर्म किया। इसमें अलग अलग यहां पर कैटेगरीज होती हैं जिसमें अगर आप मेन कैटेगरीज को देखो तो यहां पर सबसे ऊपर आती है ए प्लस, यानी कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो ए प्लस में आता है। उसके बाद ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए बी और सी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन यहां पर हैरानी की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी को इस बार एक भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, मतलब इवन सी कैटेगरी में तक यहां पर एमएस धोनी का नाम नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है कि धोनी यहां पर क्रिकेट से काफी समय से दूर हैं। सेमीफाइनल मैच में जब इंडिया वहां पर हार गई थी न्यूजीलैंड के हाथों, उसके बाद से ही वो यहां पर क्रिकेट से लगातार दूर चल रहे हैं। अब यहां पर न्यूज सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि धोनी ने यहां पर अपना नाम खुद वापस लिया हुआ है, मतलब उन्होंने अपने आप को यहां पर अनअवेलेबल कर लिया है। लेकिन इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या यहां पर सिलेक्शन और मैनेजमेंट की वहां पर इश्यूज चल रहे हैं, ये तो हम सबको नहीं पता। लेकिन क्योंकि यहां पर धोनी का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं आया है, इसीलिए यहां पर अगर सोर्सेस की माने तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब बीसीसीआई ने धोनी को यहां पर संकेत कर दिया है कि अब उनके रिटायरमेंट लेने का टाइम आ चुका है। और वो इनडायरेक्टली उनको यही बताना चाह रहे हैं कि अब उनकी यहां पर टीम में जगह नहीं बनती है। अब अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखो तो इसका पैसा तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जो इनकी सैलरी वगैरह होती है जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से आता है वो स्पॉन्सरशिप के पैसे से काफी कम होता है, जो कि एमएस धोनी, विराट कोहली जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो यहां पर इतने सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो इनको पैसे की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहां पर देखा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेयर से कि आपकी यहां पर टीम में कितनी इज्जत है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और यहां पर बीसीसीआई आपके बारे में क्या कंसिडर कर रहा है। लेकिन गाइस फिर भी एमएस धोनी जैसे बड़े प्लेयर को जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, एक तो आप पहले उनको यहां पर इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो और उसके बाद आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर अप कर दिया है, तो अपने आप में यहां पर एक काफी बड़ा डिसीजन है और काफी शॉकिंग डिसीजन भी है। क्योंकि इसके बाद आप लोग यहां पर यह बात तो कंफर्म मान सकते हो कि बीसीसीआई का कोई भी मूड नहीं है धोनी को टीम में लेने का। हालांकि रवि शास्त्री ने बोला है कि आईपीएल तक का वो लोग वेट करने वाले हैं, लेकिन इस तरह से एमएस धोनी के ऊपर यहां पर अगर आप लोग सोच रहे हो उनके रिटर्न का तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि एक क्रिकेट फैन होने के नाते देखना काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। फिलहाल हम बात करते हैं हमारी अपडेट नंबर टू की, जो कि सेम इशू से जुड़ी हुई है। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि यहां पर बीसीसीआई ऐसा कुछ कर रही है तो क्या इसका इफेक्ट यहां पर आईपीएल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने चैनल के ऊपर आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहां पर सीएसके का जो मैनेजमेंट है वो साफ कर चुके हैं कि धोनी आईपीएल 2020 में तो खेलने वाले हैं, उसके साथ ही आईपीएल 2021 में जो मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलने वाला है उसमें भी वो यहां पर धोनी को अपनी टीम से जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि अभी तो धोनी टी20 क्रिकेट से काफी टाइम तक जुड़े रहने वाले हैं। अब बीसीसीआई का अप्रोच उनके लिए अलग है और सीएसके का मैनेजमेंट तो यहां पर धोनी को बिल्कुल टॉप पे रखता है और इसका रिजल्ट हम आईपीएल में देखते भी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की कमाल परफॉर्मेंस के रूप में तो देखना होगा किस तरह से चीजें प्रोसीड होती हैं और क्या धोनी अपने आप को यहां पर प्रूव कर पाने में सफल रहते हैं आईपीएल में फिर नहीं। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो इस बड़े डिसीजन के बारे में। क्या बीसीसीआई यहां पर डिसरिस्पेक्ट कर रही है धोनी को या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप क्या सोचते हो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।